हाय फ्रेंड्स, पानी को चार्ज करके कैसे पिए हम अपनी अपनी विशेष के लिए, हेल्थ हो, विश हो या अपने अंदर की सेल्फ हीलिंग हो, उन सब के लिए पानी, वाटर टेक्निक बहुत बार हमने देखा है, सुना है, किया भी है. ओके, बट इसका सही तरीका आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि कैसे हम पानी को अफर्म करेंगे अपनी अपनी विशेष के लिए. गर्मी का टाइम है और पानी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है. जब प्यास लगती है उस टाइम पे कोई जूस, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक ग्लास पानी का, और वो भी ठंडा पानी बहुत शीतलता देता है, तो वो अलग से ही एक हीलिंग इफेक्ट होती है उसमें. आप क्या करोगे जब भी पानी पीना हो, कोशिश करें अगर कांच का ग्लास हो तो ज़्यादा अच्छा है. ओके, जिसमें से आप पानी पारदर्शी देख पाए, मतलब इस तरह से विजिबल हो पानी. ऑलराइट, अब पानी जब आप ले लें ग्लास में, सबसे पहले ग्लास का पानी अपने दोनों हाथों के बीच में रख के और उस पानी को आप देखें, उसी पानी की जो मूवमेंट है, जो हिल रहा है पानी, उसको देखो, आप उसको विजुअलाइज करो. वाटर की अपनी एब्जॉर्प्शन की पावर है, पानी की अपनी मेमोरी है. ओके, किसी भी चीज़ को पानी होल्ड करता है. आपने देखा होगा ऋषि मुनि हाथ में जल लिया और श्राप देते वक्त उसी जल में कुछ भी पड़ के और फेंका और वो श्राप लग जाता है. श्राप हो या फिर कभी कभी आपने पूजा पाठ में भी देखा होगा, हम पानी की वर्षा करते हैं, जल से शुद्धि करते हैं. ऑरा को क्लीन करना हो तो हम पानी को यूज करते हैं. पानी इनिशियल स्टेज पे क्लीन करता है ऑरा का. तो पानी में इतनी ज़्यादा पावर्स हैं. नाउ अभी जब आप अपनी डेली लाइफ में पानी पी रहे हो, कितनी भी टेक्निक्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ओके, लेकिन इंटरनल हीलिंग या इंटरनल हमें अगर किसी चीज़ से पार मिलती है तो वो पानी ही है. आप एक ग्लास पानी इस तरह से लो, जब भी आप पी रहे हो तब भी, जितनी हो सके. अगर जब बहुत तेज प्यास लगी होती है तब तो इसकी गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि उस समय पानी भरा और पानी पी लिया, इतना टाइम नहीं है कि ये करें हम. लेकिन जब आपको है कि हम शांति में हैं, अभी हम कर सकते हैं, जितनी बार हो सके करो. पानी को हाथ में लेके आप थोड़ी देर, ओके, जितना वो मूव हो रहा है उसकी मूवमेंट को बस देखो आप, ठीक है. ये एक्टिविटी जब आप करोगे, उस समय ध्यान रखना बहुत तेज की प्यास ना लगी हो, क्योंकि अगर बहुत तेज की प्यास लगी हुई है और आप तब पानी लेके कर रहे हो तो आधा ध्यान तो प्यास की तरफ है और फिर लगेगा कि कब ये काम खत्म हो और हम पानी पी जाएं. ओके, सो जब आप नॉर्मल हैं उस टाइम पे आप ये पानी का ग्लास हाथ में लें, पानी को आराम से देखें. ओके, देख करके अब अपनी जो भी इंटेंशन है, अगर आप सिर्फ हीलिंग के लिए कर रहे हैं तो अपने आप को इस पानी में वैसा ही देखना, आंखें बंद नहीं करना है, पानी में देख करके सिर्फ वैसा देखना कि आप इसके अंदर हो. अगर आप अभी मेरी वीडियो के साथ करना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को यहीं पे पॉज करके आप एक ग्लास पानी का लेके आए. ओके, और इस तरह से हाथ के बीच में रखें, रख करके अब आप इस पानी में देखते हुए अपने आप को इस पानी में देखो. आप खुद को, अपने आप को इस देखने की कोशिश करो, जैसा आप चाहते हो, जो विश आप चाहते हो, आप खुद की सेल्फ हीलिंग है, कोई विश मैनिफेस्ट करनी है, उस विश के कंप्लीट होने की बात की खुशी आपको इस पानी में दिख रही है. अगर आप अपने हेल्थ के लिए कर रहे हो तो आप बहुत हेल्दी हो, बहुत हेल्दी और बहुत हैप्पी ब्लेस्ड फील कर रहे हो, वैसी कुछ फीलिंग के साथ आप अपने आप को विजुअलाइज करो. अगर आपकी कोई पर्टिकुलर विश है तो वो मैनिफेस्ट होने के बाद उसकी खुशी के साथ, उस स्माइलिंग फेस के साथ आप अपने आप को इस पानी में देखो. थोड़े देर जब आपने अपने आप को वैसा देख लिया इस पानी में, जैसा कि आप अपनी विश के साथ मैनिफेस्ट होने के बाद खुद को देखना चाहते हैं, तब आप इस पानी को, मैं इसको थोड़ा साइड में रख के आपको बताती हूँ, आप इसको टेबल पे रखेंगे अपने सामने, जहाँ पे भी आप बैठे हैं. रखने के बाद आप अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ रब करेंगे. हमें पता है जब हम हाथ रब करते हैं तो यहाँ पे गर्माइश आती है, ठीक है, एक एनर्जी बिल्ड होती है. ओके, सो इसको अच्छे से आपको रब करना है, जितनी देर हो सके, जब तक लगे कि ये दोनों पाम्स गर्म हो गए हैं, ठीक है. इसको अच्छे से रब करते हुए आप अपनी आंखें बंद करके जो आपने पानी में देखा है वही आप विजुअलाइज करो, सेम अपनी विश के साथ हैप्पी एंड ब्लेस्ड अपने आप को देखने की कोशिश करो. आपके विश मैनिफेस्ट हो गई एंड नाउ यू आर वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड. आप अगर हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो आप बहुत हेल्दी हैं, बहुत हैप्पी हैं.
किसी सक्सेस के लिए कर रहे हैं तो आप सक्सेसफुल हो चुके हैं, राइट। वैसा कुछ करके आपने ये एनर्जी जो यहाँ पे बिल्ड की है, इस एनर्जी को, ये हाथ को, एक हाथ यूज़ करोगे आप ग्लास को पकड़ने में, दूसरा हाथ कवर करोगे इसको, कवर करके आप 2 मिनट के लिए शांत रहोगे, ओके। सो अभी आप अगेन आइस बंद करके विजुअलाइज कर सकते हो कि यही पावर इस पानी में फ्लो कर रही है, मिक्स हो रही है। साइड से आपने इसको कवर किया हुआ है एक हाथ से, दूसरे हाथ से ऊपर आपने कवर किया हुआ है, एंड ये पानी चार्ज हो रहा है। सो ये इसका सही तरीका होता है चार्ज होने का, ठीक है। इसको आपने चार्ज कर लिया अच्छे से, जितनी देर आपको रखना है आप रखिए, ओके। थोड़े देर होल्ड करके रखो इस पानी को ऐसे ही आप लोग, और शांत रखो, मन को बिल्कुल शांत रखो, कोई विचार नहीं, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई डेस्परेशन नहीं, बस ग्रैटिट्यूड, बस थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, बस, ओके। इसके बाद आप अपने हाथ को हटाएंगे और इस पानी को सिप सिप करके, घूट घूट करके पी जाएंगे, ठीक है। तो इस पानी को आपने अब पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेना है। ये पानी आप लोग जब पी लेंगे तो ये पानी आपको इंटरनल हीलिंग भी देगी, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम भी करेगी, ओके, और आपकी विशेष को मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प भी करेगी। ये जो पानी को हमने चार्ज करने का काम किया है और पीने का काम किया है, ये पानी को चार्ज आप दिन में जितनी बार चाहें उतनी बार कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट 2 टाइम है इसको करने का, वो सुबह उठने के बाद आप सबसे पहला काम ये करें, एक ग्लास पानी लेकर के आप पहले फ्रेशन अप हो जाएं, इसके बाद आप एक ग्लास पानी लें और फिर इस तरह से चार्ज करके पानी को पीना शुरू करें। रात में सोने से पहले भी ऐसे ही आप चार्ज करके पानी को पियेंगे और फिर सोएंगे, ठीक है। हमने वाटर के साथ और भी बहुत सारी टेक्निक्स की हैं, जिसमें हम अपनी अफर्मेशंस को एक स्लिप पे लिख करके वाटर बॉटल्स पे या पानी पे लगा देते हैं, ठीक है, और फिर उस पानी को हम सारा दिन कंज्यूम करते रहते हैं, राइट। अभी फिलहाल यहाँ पे आप अपने पाम के अंदर की जो हमारी शक्ति है, जो हम एनर्जी बिल्ड कर रहे हैं इसको रब करके, और फिर उसी एनर्जी को जब हम इसमें पुट कर रहे हैं, ओके, तो वो जो पावर यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ये ट्रस्ट आपको रखना पड़ेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगाना होगा, ओके, तभी चीजें काम करती हैं, ओके। एंड पानी में जो हीलिंग पावर है, अगर कहते हैं कि हम अगर अच्छे से जो सफिशियंट क्वांटिटी बॉडी को रिक्वायर्ड है पानी की, उतना अगर हम डेली लेंगे तो वैसे भी बहुत सारी बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती है। तो नेगेटिविटी एलिमिनेट करने के लिए हमारी बॉडी से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो वाटर है। तो इस तरह से ही पानी को आप चार्ज करके पिए, आप इसको हमेशा डेली रूटीन में डालो अपनी लाइफ में, आपको थोड़े दिन में ही चेंजेस नजर आएंगे, बहुत सारे चेंजेस, आपकी विशेस में भी आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल है हर चीज के लिए। और अगर कोई चीज इंटरनल हीलिंग, जैसे हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाके जब काम करती है तो हमें लगता है कि हाँ अब हम ठीक हो रहे हैं, मेडिसिन इतना इफेक्टिव है क्योंकि वो अंदर चला गया, राइट। वैसे ही पानी जब हमने पी लिया तो वो भी हमारे अंदर जाके और रीप्रोग्राम करता है, हर चीज को बैलेंस करने की इसमें कैपेसिटी है, हार्मोन्स हो, हमारे इमोशंस हो, हमारा माइंड हो, हमारे थॉट्स हो, हमारी पर्सनल हीलिंग हो, एक नरिशमेंट जो मिलती है वो इससे मिलेगी आपको। सो बिना किसी डाउट के आप लोग पानी को अपनी लाइफ में चार्ज करके पीना शुरू कर दीजिए, ओके। अगर कोई विश नहीं भी है तो ब्यूटी के लिए तो है ना, ब्यूटी तो हर एक को चाहिए, राइट, ब्यूटी हो और साथ में हेल्थ हो, ये दोनों तो मैंडेटरी है। तो कोई विश नहीं भी है तो इन दोनों के लिए आप लोग पानी यूज करना शुरू करो और इस तरह से चार्ज करके पीना शुरू करो, आपको थोड़े दिन में ही अपने खुद के स्किन में ग्लो नजर आने लगेगा, ओके। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।